खेतलावास में आयोजित क्रिकेट ट्रॉफी में RJ54 खेतलावास की टीम विजेता, आलासन की टीम रही उप विजेता। विजेता टीम को 111,000 का दिया नकद पुरस्कार। साइला उपखंड के खेतलावास ग्राम पंचायत में 10 दिवसीय खेतलावास क्रिकेट महासंग्राम का सोमवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। सोमवार को फाइनल मैच RJ54 खेतलावास और रॉयल्स आलासन के बीच खेला गया, जिसमें RJ54 खेतलावास ने मैच जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। आयोजक कमेटी के भैरू सिंह ने बताया कि इस क्रिकेट महासंग्राम में जिले भर की 44 टीमों ने भाग लिया। विजेता टीम को 111,000 व उप विजेता टीम को 51,000 राशि का नकद पुरस्कार दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज नरेंद्र सिंह रहे। कार्यक्रम का समापन साइला तहसीलदार कौशल्या जांगीर के मुख्य अतिथि व जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में नारायण दान खेतलावास सरपंच, हाजाराम आलवाड़ा सरपंच प्रतिनिधि, सांवलाराम धीरज गुर्जर, दशरथ सिंह पटवारी, सुरेश कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तहसीलदार जांगीर ने कहा कि खेल से आपसी मेलजोल बढ़ता है और समाज में भाईचारे का संदेश जाता है। प्रतियोगिता खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए जरूरी है कि उन्हें अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, भविष्य में भी ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा में निखार हेतु इस प्रकार के आयोजन किए जाए तो अच्छा है। वहीं जिला परिषद सदस्य चौधरी ने कहा कि खेल मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो हम सभी के जीवन को मानसिक शारीरिक रूप से सशक्त एवं समृद्ध बनाता है। खिलाड़ियों को खेल के माध्यम से अनुशासन को समझना होगा। इन निर्णायकों ने निभाई भूमिका। 10 दिवसीय क्रिकेट महासंग्राम में निर्णायक की भूमिका अरविंद पारंगी, जानू खान, मानक मारवाड़ी, विक्रम सिंह, ईश्वर सिंह, शौकत खान, डूंगर सिंह भाटा, देवराज सिंह भाटी व दिनेश दायमा ने अहम भूमिका निभाई। यह रहे मौजूद। इस अवसर पर खुमान सिंह, मालम सिंह, फूसाराम, आलम खान, भगाराम, डूंगरी राम चौधरी, मदन सिंह, विक्रम सिंह, कैलाश पारंगी, जसवंत सिंह, केवदाराम, हर्षन राम, नेपाल सिंह जीवाना, शिवराज सिंह जीवाना, पारसाराम सुथार, धूसाराम, करताराम सहित कई लोग उपस्थित थे। ग्रामों से जो पधारे हैं और आप सबके सहयोग से, सबके समर्पण से जो खेल भावना का जो उत्सव हुआ है, मैं आशा करती हूँ कि आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि खेल है वो सर्वांगीण विकास और एक व्यक्तित्व को, मानसिकता को बहुत ही पॉजिटिविटी की और सकारात्मकता की तरफ लेके जाता है, जो आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। तो मैं विजेता उप विजेता टीम और इस कार्यक्रम में जो भी भामाशाहों ने जो सहयोग दिया, जो मीडिया ने जो सहयोग दिया, या आप सब ने, और बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो आयोजन किया, उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। थैंक यू सो मच। अगली कड़ी में हमारे बीच विराजमान है भरत गिरी जी, सिर्फ आपके लिए भाई रामाराम जी और मैडम से अनुरोध रहेगा, आप इसमें बीच में अभ्यास करके हमारे भरत गिरी जी का बहुमान कराएं। अगली कड़ी में भगाराम जी, सुपुत्र श्री समनाराम जी खेतलावास, जिन्होंने 31,000 रुपए इस टूर्नामेंट के लिए भेंट किए, 31,000 की राशि भेंट की इस टूर्नामेंट के लिए। निवेदन करूंगा रामाराम जी से और मैडम से कि आप उनका बहुमान करावें। अगली कड़ी में श्रीमान गंगाराम जी मिस्त्री खेतलावास की टीम विजेता बनी है, वो टीम गंगाराम जी की बनाई हुई शानदार और जानदार कार्यक्रम रहा उस मैच का। अगली कड़ी में श्रीमान सम्मानित हो रहे हैं। अगली कड़ी में आलम खान जी, मिठू खान जी खेतलावास, उनके परिवार से यदि रमेश खान जी यहां हो तो वो भी बता रहे हैं, वो तो बता रहे हैं। जी हाँ, बता रही है, आपने 21,000 रुपए भेंट किए हैं। आरम जी ने भी 25,500 रुपए भेंट किए थे, लेकिन वो किसी का। रेखाराम जी प्रजापति यहां पहुंचे, जिन्होंने 21,000 रुपए इस टूर्नामेंट की। अगली कड़ी में लखनाराम जी, जेठाराम जी देवासी नारवाड़ा, वो भी बता रहे हैं। अगली कड़ी में क्या स्थान जी चार यजमान है तो पधारे, आपका बहुमान हो रहा है। सांवराम जी, सुपुत्र लंबाराम जी और मदन सिंह जी, जी हाँ, जिन्होंने 11,000 की राशि भेंट की इस टूर्नामेंट के लिए।
अगली कड़ी में उत्तम सिंह जी, डोंगर सिंह जी नारवाड़ा, उत्तम सिंह जी डोंगर सिंह जी नारवाड़ा बता रहे हैं, दशरथ सिंह जी हरमत सिंह जी खेतला। रामाराम जी जिला परिषद सदस्य जालौर से निवेदन करूंगा, आप यहाँ पास में पधारें और जो भी भामाशाह है उनको साफा बंधवा करके आप उनका बहुमान करावें।